नमस्कार, माय नेम इज हार्दिक बिंदर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे आप ओपन ऑफिस बेस के अंदर एसक्यूएल कमांड्स रन कर सकते हैं। सम डीडीएल एसक्यूएल कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स हम सीखेंगे, लाइक क्रिएट अ टेबल, इंसर्ट वैल्यूज इन अ टेबल, ऑल्टरिंग द कॉलम इन अ टेबल एंड ऑल दीज, कुछ अपडेट कमांड्स भी हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नोट पैड के अंदर क्वेरी टाइप करता हूँ क्रिएट टेबल के लिए, और उसके बाद यहाँ पे रन करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी सिंपली आप राइट लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे देते हैं सपोज स्टूडेंट है, उसके बाद जो भी आपने लिखना होता है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करना होता है। सबसे पहले हम फील्ड का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं, सपोज फर्स्ट फील्ड है स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद हम मेंशन करते हैं इसकी डेटा टाइप और देन कंस्ट्रेंट। तो मैं इस डेटा टाइप को प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, ये इसका कंस्ट्रेंट है। तो सेकंड हम आईडी स्टूडेंट का नाम, और इसके लिए डेटा टाइप लेना चाहता हूँ मैं वेरकर, और इसमें मैक्सिमम 50 करेक्टर्स आप मेंशन कर सकते हैं, और इसका कंस्ट्रेंट कोई नहीं लगाना चाहता मैं। उसके बाद लिखना चाहता हूँ इंग्लिश के मार्क्स, और इसकी डाटा टाइप मेंटल लेना चाहता हूँ नॉट नल, इसका कंस्ट्रेंट है, मीन्स आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू फिल द वैल्यूज इन दैट, नॉट नल मीन्स। सिमिलरली इसको कॉपी पेस्ट करके हिंदी के लिए और देन आप मैथमेटिक्स के लिए देन साइंस के लिए चलाना चाहते हैं, और एंड में आप सोशल साइंस के लिए साइंस, और एंड में सपोज आप चाहते हैं टोटल के लिए, ये कॉलम रहेगा टोटल के लिए। इस पर आप कंस्ट्रेंट नहीं लगाना चाहते क्योंकि वैल्यूज आप टोटल की बाद में कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें वैल्यूज भरनी अभी कंपलसरी नहीं रहेगी। उसके बाद एंड में हम रखना चाहते हैं परसेंटेज के लिए, परसेंटेज मार्क्स, इसको भी नॉट नल नहीं करना चाहते, इसकी वैल्यूज हम बाद में भरेंगे, और इसका लास्ट में कॉमा जरूरी नहीं है। और एंड में आपको पता है सेमी कॉलम से इनक्लोज करना होता है टेबल को, और इसकी क्वेरीज है जो हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे टूल्स पैनल, टूल्स मेन्यू के अंदर एसक्यूएल टैब में जाके यहाँ पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होती है, और इसको एग्जीक्यूट करोगे तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, और रिफ्रेश करोगे टेबल को आप तो देखोगे अपना टेबल है जो रेडी हो गया। तो अब इसमें हमने वैल्यूज भरनी है, तो वैल्यूज के लिए कमांड लिखते हैं हम इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है स्टूडेंट, और देन फील्ड स्पेसिफाई करते हैं कौन कौन से फील्ड पे आपने वैल्यू भरनी है। मैं स्टूडेंट आईडी भरना चाहता हूँ, पहले नंबर पे जो भी वैल्यू भरूंगा वो स्टूडेंट आईडी पे जाए, और दूसरे नंबर पे जो वैल्यू भरूंगा वो स्टूडेंट के नेम कॉलम फील्ड के अंदर जाए, और उसके बाद जो भी वैल्यू भरूंगा वो इंग्लिश के मार्क्स हों। इसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इंग्लिश के मार्क्स, और देन आई वॉन्ट के जो वैल्यू भरेंगे वो हिंदी के, और जिस सीक्वेंस में आप लिखोगे और वैल्यूज जिस सीक्वेंस में लिखेंगे उसी सीक्वेंस में फिल होंगी। इंग्लिश के हिंदी के बाद सपोज मैथमेटिक्स के मार्क्स भरना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के बाद सपोज आप चाहते हैं साइंस के मार्क्स आए, ज़रूरी नहीं है आपने जिस सीक्वेंस में टेबल बनाया उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, लेकिन जो सीक्वेंस आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं टोटल के लिए हम अभी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद लिखते हैं वैल्यूज़ कौन कौन सी वैल्यू, पहले नंबर पे स्टूडेंट आईडी थी उसके 101 करना, उसके बाद स्टूडेंट का नाम था, सपोज स्टूडेंट का नाम है राघव चड्ढा, और टेक्स्ट को सिंगल कोड में लेना ज़रूरी है, इंटीजर को सिंगल कोड में लेना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मार्क्स मेंशन कर देते हैं हम, पहले इंग्लिश के हैं, उसके बाद हिंदी के हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स के हैं, उसके बाद साइंस के हैं, और उसके बाद सोशल साइंस के हैं, और उसके बाद एंड में ये कॉलम बंद कर देंगे, आप इसको कॉपी करेंगे और फिर से टूल्स मेन्यू में जाके एसक्यूएल में जाके और कमांड को आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब अभी टेबल को क्लोज करके दोबारा से खोलोगे तो आप देख रहे हो ये हमारे मार्क्स फेल हो गए, खराब चलता है। अब हम अपडेट क्वेरी करेंगे, तो बच्चों अपडेट के लिए लेट अस राइट अपडेट टेबल का नाम स्टूडेंट, देन सेट टोटल मार्क्स के लिए हम ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें इंग्लिश के मार्क्स में प्लस करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके
टेस्ट और इसमें हिंदी के मार्क्स, साइंस के मार्क्स रहेंगे और एंड में सोशल साइंस के मार्क्स और हिंदी के सपोज मैथमेटिक्स के मार्क्स मिस हो गए हैं वो भी ऐड कर देते हैं और एंड में आपने ब्रैकेट जरूर क्लोज कर देनी है। ऑल मार्क्स आई थिंक कंप्लीटेड, उसको कॉपी करते हैं और फिर से टूल्स में एसक्यूएल में जाके ये क्वेरी आप रन करोगे, उसमें कोई एरर आ रही है देखते हैं क्या एरर रहेगी। एंड में ब्रैकेट गलती से डल गई, इसमें ब्रैकेट की कोई ज़रूरत है नहीं है बिकॉज हमने कोई ब्रैकेट लगाई नहीं है, सक्सेसफुली कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। इसको क्लोज करके दोबारा से ओपन करेंगे तो देखोगे आप टोटल मार्क्स आ गए हैं 420। फाइव सब्जेक्ट्स था, ईच सब्जेक्ट सपोज 500 का है तो 500 आउट ऑफ 500 450 मार्क्स आते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट द परसेंटेज। परसेंटेज के लिए आपको याद रहेगा हमने इंटीजर लिया था तो परसेंटेज पॉइंट्स में भी हो सकती है, इसकी डाटा टाइप हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो टेप चेंज कैसे कर सकते हैं, डाटा टाइप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं अपने कॉलम के डेटा टाइप को, उसके लिए कमांड है ऑल्टर टेबल का नाम स्टूडेंट, ऑल्टर कॉलम, कॉलम का नाम है परसेंटेज मार्क्स और देन डेटा टाइप, नई डाटा टाइप रखना चाहते हैं हम डेसिमल, डेसिमल में 10, 20। पहले होता है कि कितने डिजिट्स में और कितने पॉइंट्स तक वैल्यू आप देना चाहते हैं और एंड में सेमी कॉलन जरूर लगाना होता है। सपोज और टूल्स में जाएंगे और एसक्यूएल के अंदर जाके इसको कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई एरर आ रही है अभी भी, समथिंग हैव हैपेंड, अनएक्सपेक्टेड ओपन स्टूडेंट इन स्टेटमेंट, ऑल्टर टेबल, टेबल लिखना जरूरी होता है, ऑल्टर टेबल देन टेबल का नाम, सक्सेसफुल हो गया ऑल्टर टेबल, ऑल्टर इसको यहाँ से चेंज कर दे, ऑल्टर टेबल देन टेबल का नाम लिखना आपने, सक्सेसफुल हो गया अपना। अब अगर आप चेक करोगे और टेबल को तो डिज़ाइन व्यू में एडिट में जाते तो जो परसेंटेज की अभी डाटा टाइप है वो चेंज नहीं हुई है, समथिंग रिफ्रेश करना आई थिंक इम्पॉर्टेंट रहता है इसको, अब देखोगे तो परसेंटेज की डाटा टाइप है वो चेंज हो गई है। तो अब परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, सिमिलरली जैसे हमने टोटल कैलकुलेट किया था, अपडेट टेबल का नाम है स्टूडेंट एंड सेट परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 500 और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं और तो टूल्स में जाके एसक्यूएल में सेम डे में क्वेरी को रन करोगे, सक्सेसफुली रन हो चुकी है और चेक करोगे टेबल के अंदर परसेंटेज रिफ्रेश करना जरूरी होता है टेबल को, तो परसेंटेज कैलकुलेट हो गया, कोई मिस्टेक रह गई है परसेंटेज के अंदर, क्या मिस्टेक रह गई है बच्चों आपने ये फाइंड आउट करना और मुझे बताना है कि वेयर वी हैव डन रॉन्ग। सपोज हम डायरेक्टली डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करने की बजाय डायरेक्टली इसको डिवाइड बाय 500 करके दोबारा से रन करके देख देते हैं क्वेरी को और एग्जीक्यूट करेंगे, वैल्यू इज टू लॉन्ग। तो बच्चों देखना परसेंटेज क्यों नहीं कैलकुलेट हुई, उसके लिए आपने खुद चेक करना और मुझे बताना है कि क्या मिस्टेक रही है कि हमारी परसेंटेज सही कैलकुलेट नहीं हो पाई है, तो इसको ज़रूर चेक करना एक बार क्या डाटा टाइप में क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम्स है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू ट्राई ऑल द कमांड्स। थैंक यू, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड।